अक्सर बनाते हैं, पर आज मैंने टोकरा पाक कुछ नया बनाया है। मैंने इसमें रोज की पेटल्स डाली है। मैंने टोकरा पाक को रोज फ्लेवर्स का बनाया है। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और दिखने में भी इतना ही सुंदर अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों, आप मेरी रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। टोकरा पाक हम बहुत जल्दी बना के तैयार करेंगे। 10 मिनट में हमारा टोकरा पाक बन के तैयार हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम टोकरा पाक बनाना शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, टोकरा पाक बनाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 1 कप टोपरा का छीन, जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है, इसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है, कोकोनट पाउडर, 1/2 कप गुलाब की पंखिया, जिसे हम रोज पेटल्स भी कहते हैं, जिसे मैंने साफ पानी में धोके फिर काट के लिया हुआ है, 3/4 कप शक्कर, शक्कर को मैंने मिक्सी जार में डाल के फिर उसका पाउडर बना के लिया है, मैंने घर पर ही शक्कर का पाउडर बना के लिया हुआ है, 1 कप मावा, मावा दोस्तों मैंने यहाँ पे क्रम्बल करके लिया हुआ है, और साथ मैंने इलायची ली है जिसे मैंने छील के उसका पाउडर बना के लिया है। तो आइए हम टोकरा पाक बनाना शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हमारी रोज की पेटल से उसे हल्का सा भून लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन चढ़ाया है गैस के ऊपर, गैस ऑन कर दिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने घी डाला है। देखे दोस्तों, घी हमारा गर्म हो गया है। आइए अब हम हमारे काटे हुए पेटल से घी डाल देते हैं। रोज पेटल्स का जो कच्चा फ्लेवर रहता है दोस्तों, वो थोड़ा निकल जाए, इसलिए हमने ये रोज पेटल्स को हल्का सा भून लिया है घी में, ताकि इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाए। देखिए दोस्तों, हमारा पेटल्स का कलर थोड़ा सा लाइट हो गया है। अभी और थोड़ा डार्क होने तक हम इसे भून लेंगे। देखिए दोस्तों, पेटल्स का कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। आइए अब हम गैस बंद कर देते हैं और पेटल्स को हम बाउल में निकाल लेते हैं। आए दोस्तों, मैंने उसी पैन को गैस पे चढ़ाया है। अब हम हमारा क्रम्बल किया हुआ मावा डालेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। देखिए दोस्तों, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखा है और आप देख रहे हैं मावा हमारा सिक गया है, उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। आइए अब हम इसमें हमारी पीसी हुई शक्कर डाल देते हैं। देखा दोस्तों, हमने शक्कर को डाल दी है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आइए दोस्तों, शक्कर हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें हमारा कोकोनट का पाउडर डाल देंगे और इलायची पाउडर भी डाल देंगे। आइए दोस्तों, अब हमने हमारी सिकी हुई पेटल्स भी डाल देंगे और अब सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे, ताकि रोज पेटल, शक्कर, कोकोनट आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा जो मिश्रण है वो पैन से अलग हो रहा है, मतलब कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक हमारा मिश्रण है वो पक गया है। आइए अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ग्रीस किए हुए मोल्ड में डाल देंगे। आइए दोस्तों, मैंने यहाँ पे मोल्ड के अंदर बटर पेपर बिछा के लिया हुआ है और बटर पेपर के ऊपर दोस्तों मैंने थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस करके लिया हुआ है। अगर आप बिना बटर पेपर के भी इसे बर्फी को, टोकरे पाक को स्प्रेड करोगे तो भी अच्छी तरह से जमेगी, पर बटर पेपर से दोस्तों हमें हमारी जो टोकरा पाक है वो निकालने में इजी रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बटर पेपर को नीचे बिछाया है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे फ्लैट स्पून लिया है, उसकी सहायता से मैंने इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है, ताकि ये चारों ओर से इक्वली फैल जाए अच्छी तरह से। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने तक छोड़ देंगे और फिर ठंडा होने के बाद हम इसके पीसेस में कट करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम टोकरा पाक को बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर इसे हम हमारे मनपसंद पीसेस में काट के तैयार करेंगे। आइए दोस्तों, हमारा रोज टोकरा पाक बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसे मोल्ड में से निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इसे टिश्यू मोल्ड में से निकाला है। अब हम इसे हमारे
बटर पेपर से देखिए दोस्तों, मैंने निकाल के मेरे बोर्ड पे रख दिया है। आइए अब हम इसे हमारे मनपसंद शेप में कट कर करके इसे तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे टोपरा पाक को मैंने काट के तैयार कर लिया है और मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। देखिए दोस्तों, ये दिखने में जितने अट्रैक्टिव दिखते हैं, खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और फिर मुझसे शेयर कीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखा ना दोस्तों आपने, हमने टोपरा पाक कितना जल्दी से बना के तैयार किया और ये बना भी बहुत अच्छा है और ये बन भी बहुत जल्दी जाता है। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई कीजिए और फिर मुझसे शेयर कीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।